नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वेल्डिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। इन दोनों को पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि वेल्डिंग क्या होती है। वेल्डिंग बेसिकली एक प्रोसेस होता है, एक वे होता है, एक रास्ता होता है जिसमें हम लोग दो पार्ट्स को आपस में जोड़ते हैं, या तो केवल हीट की सहायता से या हीट और प्रेशर दोनों की सहायता से। तो वो अलग अलग टाइप के वेल्डिंग है, उनके अकॉर्डिंग इनको क्लासिफाई करते हैं। तो मैं डेफिनेशन बता देता हूं। इट इज ए ज्वाइनिंग प्रोसेस यूज टू ज्वाइन टू सिमिलर और डिसिमिलर मेटल्स विद द हेल्प ऑफ हीट एंड प्रेशर और विदाउट द हेल्प ऑफ प्रेशर ओनली बाय यूजिंग हीट। अब सबसे पहले समझते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में। जो वेल्डिंग है उसके क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहला, जो ज्वाइनिंग की कॉस्ट है वो इसकी बहुत ही कम रहती है। इससे मीनिंग क्या है कि दो कोई पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स को आपस में हमें ज्वाइन करना है। जैसे मान लीजिए ये फिगर दिखाई दे रहा है, इसके अकॉर्डिंग ये जो ऊपर वाला पार्ट है और ये जो नीचे वाला पार्ट है, इन दोनों को हम आपस में ज्वाइन करते हैं मान लीजिए वेल्डिंग के द्वारा। तो इन दोनों की जो ज्वाइनिंग में कॉस्ट लगेगी वो बहुत ही लो होती है, कम होती है एज कंपेरिजन टू जैसे रिविट से जोड़ना हो किसी दो पार्ट्स को, या दो पार्ट्स को आपस में और किसी अदर प्रोसेस से जोड़ना हो। नेक्स्ट है इसका एडवांटेज, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज लो। तो जो वेल्डिंग है उसको मैन्युफैक्चर करने की, बनाने की जो कॉस्ट है, लागत है, वो बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट है, जो भी वेल्डिंग के दौरान इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, जो भी वेल्डिंग के इक्विपमेंट्स है जैसे इलेक्ट्रोड का होल्डर है, या हमारे पास फिलर रॉड है, या जो मशीन है वो, तो इन सभी की जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम रहती है एज कंपैरिजन टू अदर प्रोसेस। मान लीजिए हमें कास्टिंग से कोई पार्ट प्रोड्यूस करना है या कोई अदर प्रोसेस से पार्ट प्रोड्यूस करना है, तो उसके कंपैरिजन में इनके इक्विपमेंट्स की जो कॉस्ट है वो बहुत ही लो रहती है। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि अधिकतर जो मेटल्स हैं, जो अलॉयज हैं, उनको हम आसानी से जोड़ सकते हैं। मींस डायरेक्ट मेटल टू मेटल ज्वाइन कर सकते हैं या कोई अदर अलॉय ज्वाइन कर सकते हैं। अलॉय से मीनिंग यहां पे हम समझें तो क्या है, अलॉय से मतलब है कि ये मेटल्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम आपस में कंबाइन करते हैं एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स को, तो वो हमारे पास क्या होंगे, अलॉयज होते हैं। अब समझते हैं वेल्डिंग के डिसएडवांटेजेस के बारे में। ये तो हो गए वेल्डिंग जो हम करते हैं तो उससे क्या क्या बेनिफिट है, किस तरह से उसकी कॉस्ट कम होती है मैन्युफैक्चरिंग ज्वाइनिंग, तो ये सब इसके बेनिफिट्स, फायदे। अब बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस की कि वेल्डिंग को हम यूज कर रहे हैं तो उसके बेसिक डिसएडवांटेज घाटे क्या क्या रहेंगे। एक तो सबसे पहले वेल्डिंग को करते टाइम हाईली स्किल्ड ऑपरेटर की नीड होती है। अब स्किल्ड ऑपरेटर की क्यों आवश्यकता होती है, नॉर्मली हम लाइफ में कर रहे हैं तो नॉर्मल लाइफ में इतनी स्किल की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वहां पे केवल सेफ्टी की जरूरत होती है। इसके अदरवाइज कोई दो पार्ट्स आपस में जोड़ने हैं, मान लीजिए हमारे पास कूलर का जो स्टैंड है उसका कोई टायर टूट गया, तो वहां पे बहुत ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत नहीं होती, वहां पे हमें केवल उस टायर को जोड़ने से मीनिंग होता है। तो वहां से जो बात निकल के आती है वो यही है कि नॉर्मली होम लाइफ में हम वो कैसे पार्ट जोड़ सकते हैं, लेकिन जब इंडस्ट्री की बात आती है तो वहां पे एक्यूरेसी की बहुत नीड होती है। तो पार्ट्स आपस में जोड़ने हैं तो वहां पे पुअर अपीयरेंस ना आए, क्लियरली साफ सुथरा ना दिखे, ऐसा ना हो बिल्कुल भी, हमेशा वो पार्ट जो दो जुड़े वो नीट एंड क्लीन होने चाहिए, तो इसलिए हाईली स्किल्ड ऑपरेटर की जरूरत रहती है। दूसरा, इसको करते टाइम ज्यादा डिवाइसेस जो सेफ्टी के हैं उनकी जरूरत पड़ती है, जैसे हैंड ग्लव्स की, जैसे शूज की, फेस शील्ड की, तो इस तरह से बहुत ज्यादा हमें सेफ्टी जो डिवाइसेज हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है। नेक्स्ट होता है कि स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है वर्क होल्डिंग डिवाइसेज की। वर्क होल्डिंग डिवाइसेज जैसे जिग होते हैं, जैसे फिक्सचर होते हैं। जिग से मीनिंग क्या है, जिग से मीनिंग है कि जो हमारे पास कोई पार्ट है उस पे हमें मान लीजिए कोई मशीनिंग करनी है या ड्रिलिंग करनी है हमें, तो ड्रिलिंग करने के दौरान वो टूल को गाइड भी करे और जो पार्ट है उसको होल्ड भी करने का काम करे, तो वो हमारे पास होता है जिग। तो ये स्पेशल टाइप के डिवाइस होते हैं, या फिर फिक्सचर जो कि डायरेक्टली मशीन की टेबल पे क्लैंप रहते हैं, तो उन डिवाइसेज की हमें जरूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है,
तो ये टी शेप के हो सकते हैं, ये अलग कैम ऑपरेटेड हो सकते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के डिवाइसेज हैं जो, क्योंकि इनका यूज क्यों किया जाता है, जिग एंड फिक्सर का, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। लेकिन नीड क्या हुई, हमें स्पेशल रिक्वायरमेंट हुई उनकी वेल्डिंग के दौरान, तो इसलिए एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है। लास्ट है इसका, वेल्डिंग प्रोड्यूसेस हार्मफुल गैसेस, जो वेल्डिंग है वो हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करती है ड्यूरिंग जब वेल्डिंग करते हैं हम लोग, क्योंकि वेल्डिंग में गैसेज का भी यूज होता है, जैसे आर्गन गैस है, हीलियम गैस है, तो इस तरह से जो गैसेज है वो हार्मफुल है हमारे एनवायरमेंट के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए। और दूसरा, जो स्पैटर्स हैं वो चांसेस रहते हैं वर्कपीस पे आने के, यदि गैसेज का यूज ना करें वहां पे तो ये भी प्रॉब्लम है। तो इस तरह से वो स्पैटर्स आएंगे, जैसे ये फिगर आपके सामने दिख रहा है, तो इस पे छोटे छोटे दाने दाने आएंगे। तो मींस जो जोन रहेगा जहां पे हमें वेल्ड करने हैं दो पार्ट्स आपस में, उसके ऊपर छोटे छोटे दाने आ जाए, तो इससे क्या होगा, वेल्डिंग की अपीयरेंस खराब दिखेगी, पुअर वेल्ड होएगा, तो ये बेसिक प्रॉब्लम्स आती है। तो ये थे दोस्तों एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेल्डिंग। थैंक यू दोस्तों।